और अपराधी आपकी पार्टी के मंत्री सांसद विधायक या रसूखदार लोग होंगे तो आप चुप रहेंगे। मैं एसपी कार्यालय गए, डीएसपी कार्यालय गए, सब लोगों ने धमकी देकर भगा दिया। थाने पर पहुंची, अब थाने पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, गरीब लड़कियों की इज्जत नहीं होती? पूजा के प्रसाद में नशीली चीज मिला दी, मेरा शारीरिक शोषण किया, मेरा वीडियो बना करके इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। जाओगी और चिल्लाओगी कि मुझे उन लोग का गिरफ्तारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा ने गुरुवार को प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध और महिला हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एपवा की कार्यकर्ता चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा मार्च करने निकल पड़ी। हालांकि प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें विधानसभा की ओर जाने से रोक दिया। ऐसे में सभी महिला कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि महिला अपराध और महिला हिंसा के खिलाफ ये प्रदर्शन एपवा की जिला सह संयोजिका कमला गौतम के नेतृत्व में किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शन कर रही अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार प्रदेश में रेप और गैंग रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और हत्या की घटना सामने आ रही है। इसके विरोध में एपवा सड़कों पर उतर चुका है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कई रेप पीड़िता और महिला अपराध से पीड़ित महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए न्याय की गुहार लगाई और बताया कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। की हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये गरीब महिलाएं हैं, ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण वोटर हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का दम रखती हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं विधानसभा मार्च नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये VVIP एरिया है। हम कहने आए हैं कि इन्हीं महिलाओं के, गरीब महिलाओं के वोट से आप इस विधानसभा के अंदर आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि ये VVIP एरिया है या गरीब महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती हैं। अगर इस तरह का अगर बात रखेंगे तो हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि आपका महिला विरोधी चेहरा हम सबके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश को आप बुलडोजर और ठोक दो की राजनीति से चलाना चाहते हैं, खुद संविधान की प्रक्रिया से आए हैं, तो ये हम लोग नहीं चाहेंगे। उत्तर प्रदेश को बाबा साहब अम्बेडकर के न्याय से चलाना होगा और अपनी जो महिलाओं के ऊपर जो यौन हिंसा बढ़ रही है और आप जिस तरह से बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं, जब बलात्कारियों को बनारस में फूल माला पहनाई जाती है तो आप चुप रहते हैं, तो आपकी चुप्पी ये दर्शाती है कि अगर बलात्कारी और अपराधी आपकी पार्टी के मंत्री सांसद विधायक या रसूखदार लोग होंगे तो आप चुप रहेंगे और ठोक दो और बुलडोजर की राजनीति आम जनता के लिए होगी। हम ये जो है बिल्कुल भी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए महिलाएं यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई थी। जी, मेरे साथ 10 जुलाई गैंग रेप हुआ था और मेरा 3 दिन के बाद 13 जुलाई को मेरा FIR दर्ज हुआ, वो भी बहुत लोगों के इकट्ठा होने के बाद मेरा FIR दर्ज हुआ है अलीनगर थाने में। और वहाँ की प्रशासन बोलती है कि तुम लड़कियों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा होता है तो ये सरकार तुम लोग को नहीं न्याय मिलेगा, तुम लोग कई सरकार के हथों में। कहते हैं कि अमीरों लड़कियों के साथ अगर ये हुआ होता तो उन लोग को सजा मिलती, पर गरीबों की क्या इज्जत नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या गरीबों लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो उन लोग को क्या इज्जत की भागीदारी नहीं बनना पड़ता है। आज मैं 4 महीने से परेशान हुई हूँ, कोई भी मेरा नहीं सुनता। मैं SP कार्यालय गई, DSP कार्यालय गई, मैं हर जगह गई, प्रशासन यहाँ तक कि मुझे मारी पीटी धमकी दी। अलीनगर की प्रशासन मुझे मारी, विलेडेस भी मारी, जेल से भी मारे और उसके बाद मेरा FIR भी नहीं दर्ज हुआ। कुछ लोगों को मैं लेकर गई तो मेरा FIR दर्ज हुआ। आज आठों के आठों सब घूम रहे हैं और आज 4 महीने हो गए पर पुलिस वालों ने किसी को गिरफ्तारी नहीं किया। मैं यही कहूँगी सरकार से कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले, इस सरकार से मेरी यही उम्मीद है। आज इसलिए मैं धरना प्रदर्शन में आऊँ क्योंकि मैं 4 महीने से एकदम परेशान हो चुकी थी। 4 लोगों को अन्यथा वो लोग ने मुझे शराब पिला कर मेरे साथ गलत काम किए और मैं इतना आज 3 महीने से
है कि मैं 4 महीने से एकदम परेशानी में झेल रही हूँ। मेरे साथ मैं यही सरकार से कहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही रोड पे उतरूंगी, रोज आऊंगी और चिल्लाऊंगी कि मुझे उन लोगों की गिरफ्तारी हो। मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मेरे साथ में कई तरीके की घटनाएं हुई हैं जो कि योगी सरकार में मैं नहीं मानती कि हो सकती हैं। योगी सरकार क्योंकि इस बात का विश्वास दिलाते हैं, मुझे उन पर विश्वास था, लेकिन मेरे साथ उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। मैं किसी तरीके से मैं थाने पर पहुंची, अब थाने पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने 15 दिन बाद मेरा मेडिकल कराया और विपक्षियों का साथ दे रही, विपक्षियों के साथ मिली हुई है। मुझे योगी सरकार से डायरेक्ट मिल के बात करनी है। अगर आप लोगों के पास इतनी ताकत है तो मुझे योगी सरकार से मिलवाइए बस। किसने करा आपका शोषण? रंजीत पुत्र मुलह है, सरसवा के निवासी हैं, लखनऊ जिला लगता है इनका, बीकेटी क्षेत्र लगता है। मेरा शारीरिक शोषण, मुझे प्रसाद में कुछ नशीला चीज मिला करके पूजा के माध्यम से बुलाया गया था। इनके मम्मी पापा और इन्होंने बुलाया था पूजा के लिए। बुला करके इन्होंने मेरे साथ में छल विद्या की, वहाँ पर नशे का पूजा के प्रसाद में नशीली चीज मिला दी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ में कई बार मेरा शारीरिक शोषण किया गया, उसके बाद मेरा वीडियो बना करके इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और काफ़ी अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। पुलिस की खुद की आख्या लगी पड़ी, SSP ऑफिस में इनका मुकदमा भी चलता है। क्या चाहती है? मैं क्या चाहूँगी, मैं न्याय चाहूँगी और योगी सरकार से मैं अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था चाहूँगी, क्योंकि वो इस तरीके का अपराधी है कि मैं छुप करके घूम रही हूँ। आप मांग सकते हैं मुझसे कि किस किस तरीके के उसके पास असलहे, तरह तरह की जो गन्स उसके पास हैं, जो कि किसी लगता है कि वो टेररिस्ट है या तो फिर जो है वो किसी आपराधिक कृत्य के लोगों के साथ मिला जुला है। इस तरीके से मुझे वहाँ पे उसका जो है मुझे दिखाता भी था, वो सब असलहे कट्टे जो भी हैं, जो भी उसके पास वेपन से वो मुझे दिखाए जाते थे, मुझे उसका प्रदर्शन किया जाता था। वहाँ पे कई गंभीर किस्म के अपराधी भी आते थे जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते थे, वहीं पर दारू शराब मुर्गा पार्टी सब कुछ करते थे। मुझे नशे की सुइयाँ दी जाती थी, उसके बाद मेरे साथ में शोषण करवाया जाता था। ये मुर्गी फार्म सिंहपुर बक्सी तालाब के अंतर्गत सिंहपुर मुर्गी फार्म जो है स्थित है, सिंहपुर गांव में मुर्गी फार्म है इनका, पहाड़पुर चौराहे से सिंहपुर मुर्गी फार्म। वहाँ पूरा जंगल है, मैं कहीं भाग के जा नहीं सकती थी और मेरे साथ में मुझे जलाया तक गया है, मुझे बांध के रखा गया, मुझे नशे की सुइयाँ दी गई हैं और पूरा परिवार इसमें संलिप्त है, लेकिन पुलिस उनका सहयोग कर रही है। यहाँ तक पुलिस ने इतना सहयोग किया है कि 24/9/2024 को उनके कैमरे के पुलिस पहाड़पुर पुलिस चौकी के सामने से 5,000 रुपये नीलेंद्र प्रताप जी को दे करके उनके माता पिता मुझे उठा करके वहाँ से लेके चले आए। कौन सा थाना लगता है? थाना महंगवा लगता है।